हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रविंद। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आज इंडिपेंडेंट इंडिया की और ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त रेलवे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग रेलवे बजट ऑफ इंडिया को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। रेलवे बजट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। और रेलवे बजट के बाद हम लोग रेलवे बोर्ड एंड रेलवे कमिटीज़ को भी समझेंगे। इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सभी पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करेंगे। चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक पर। दोस्तों, यूनियन एंड रेलवे टॉपिक में आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्लस ब्रिटिशर्स के वक्त जो हमारे रेलवे में इम्पॉर्टेंट पर्सन्स एंड उनका कंट्रीब्यूशन रेलवे में क्या था, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उठाए जा सकते हैं, इसलिए इन सभी पर्सन के बारे में आप सभी को सारी पॉइंट्स पता होनी चाहिए। तो सभी लोगों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवे। फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें कि लॉर्ड डलहौजी इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मींस इसके बाद ब्रिटिशर्स का रूल नहीं ख़त्म हो जाता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद वायसराय लोग का रूल जो है इंडिया पे चालू हो गया था। एंड फर्स्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। सो लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। रेलवे में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, क्योंकि रेलवे में जो हमारी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे है जो 1845 में इंडिया में आई थी, 1845 में ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसको इंडिया में लॉर्ड डलहौजी नहीं लाया था, और लॉर्ड डलहौजी ने इसको रजिस्टर किया था एज अ गवर्नमेंट कंपनी, और इनको फ्री लैंड दिया गया था खासकर बॉम्बे में। जो भी हमारे रेलवे से रिलेटेड डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स चाहते थे रेलवे के डेवलपमेंट्स करने के लिए, एक पार्लियामेंट्री बिल पास किया गया था, जिसके बाद रेलवे में जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हुए हैं बॉम्बे में वो सारे डेवलपमेंट लॉर्ड डलहौजी के कारण ही हुए हैं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जो इंडिया की एंड एशिया की सबसे पहली रेलवे भी है, इंडिया में उसके पहले एक रेलवे सिस्टम ऐसा नहीं था जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाता था। इंडियन गवर्नमेंट जो है या ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो है, उन्होंने रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था बाय पासिंग अ बिल इन 1845 फॉर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। लॉर्ड डलहौजी ने ही इंडिया की जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी जो 1853 में चली है, उसका इनॉग्रेशन लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। इस ट्रेन के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है। ये जो हमारी ट्रेन है ये बॉम्बे में CSMT, जिसका ओल्ड नेम बोरी बंदर स्टेशन था, वहाँ से ये थाने तक के लिए सबसे पहली लाइन इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने इनॉग्रेट की थी, और इस लाइन को बनाने का जो काम है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था। सो लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिए कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे एंड फर्स्ट रेलवे का इनॉग्रेशन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। सो
आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम ब्रिटिशर्स से हमने रेलवे को ले लिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए, सो जो हमारी रेलवे है ये बहुत ही बड़ी एक एसेट थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में छोड़ी गई थी। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दो ही चीज़ दी है, एक UPSC एंड रेलवे। सो सबसे बड़ी जो चीज़ है इंडियन रेलवे, जिससे सबसे ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ की चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो इंडियन रेलवे से ही थी। सो जो पहला रेलवे मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का जब बनाया गया, तो एक ऐसे पर्सन को ही बनाया गया था जो बहुत ही काबिल हो एंड बहुत ही अच्छे तरीके से रेलवे को आगे प्रोग्रेस कर सकता है। सो फर्स्ट पर्सन थे जॉन मथाई। जॉन मथाई एक बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है इंडिपेंडेंट इंडिया में। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इसीलिए इनको इंडियन रेलवे का पोर्टफोलियो दिया गया था। इनको पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, इंडियन रेलवे से जवाहरलाल नेहरू को ज़्यादा चांसेस थी इंडिया के ग्रोथ से रिलेटेड, जो चीज़ें वो चाहते थे वो जॉन मथाई को ही उन्होंने सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। सो जॉन मथाई के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ और एक आपको याद रखनी चाहिए कि जॉन मथाई एक बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे और इंडियन रेलवे में इन्होंने पहले रेल मिनिस्टर के तौर पे सिर्फ एक साल बिताए थे, क्योंकि उसके जस्ट बाद इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई थी। उस एक सालों में इन्होंने रेलवे से रिलेटेड जो काम किए हैं वो है जितने हमारे जोन्स थे, 42 जोन्स इंडियन रेलवे में, उन सभी को रीऑर्गेनाइज़ करना, उन सभी का रीऑर्गेनाइजेशन जॉन मथाई ने स्टार्ट कर दिया था। उसको स्टेट ओन्ड से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लाने का काम, पहले सारी जितने भी इंडियन रेलवे में जोन्स थे वो स्टेट ओन्ड थे, वो राजा एंड ब्रिटिशर्स के जॉइंट वेंचर से चला करती थी। बट आफ्टर द जॉन मथाई बिकेम द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने उसके रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारा का सारा जो रेलवे है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर लाना है, ये काम जॉन मथाई ने स्टार्ट किया था। जॉन मथाई के जो नेफ्यू हैं वर्गीस कुरियन, इन्होंने भी इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है वाइट रेवोल्यूशन का। वाइट रेवोल्यूशन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है वो जान ले कि 1970 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1970 में वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्च किया था वर्गीस कुरियन ने। अमूल लिमिटेड जो हमारी कंपनी है गुजरात की, वाइट रेवोल्यूशन वहीं पे लॉन्च हुआ था और इंडिया को मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कभी भी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना हो, इसलिए वाइट रेवोल्यूशन को इंडिया में चालू किया गया था। और इसके बाद से इंडिया में इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हुआ है कि इसीलिए वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। एक तरीके से दूध की बहुत सारी बाढ़ इंडिया में आ गई थी, जिसके बाद इंडिया बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गया था मिल्क से रिलेटेड। जो भी प्रोडक्शन इंडिया में या जो भी कंजम्पशन था इंडिया में, उसमें इंडिया मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जॉन मथाई के जो नेफ्यू हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्गीस कुरियन है वो जो है वो जॉन मथाई से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में हमेशा इस तरह के रिलेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहले RRB NTPC में क्वेश्चन आया था कि जगजीवन राम जो हैं हमारे, उनकी जो डॉटर है वो इंडिया की क्या थी, उनका क्या नाम है ना इंडिया की, वो क्या थी। सो जगजीवन राम की जो डॉटर है मीरा कुमारी, वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर थी। सो इसी तरह अगर
DFCIL में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम लोग देखते हैं इंडिया की पहले वुमेन रेलवे मिनिस्टर के बारे में। सो इंडिया की जो पहली वुमेन रेलवे मिनिस्टर थी ये है हमारी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अभी फिर से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। सो ममता बनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और तृणमूल कांग्रेस की ये लीडर हैं। ये सबसे बड़ी लीडर तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में है उसकी सबसे बड़ी लीडर जो है ममता बनर्जी मानी जाती हैं। सो ममता बनर्जी जब एनडीए की सरकार थी 1998 में, जब पहली बार 13 महीने की सरकार, उसके पहले 13 दिन की सरकार, फिर 1999 में जब 182 सीट्स के साथ एनडीए की सरकार आई थी, सो ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेलवे मिनिस्टर बनाया था। सो इंडिया के लगभग आप देख सकते हैं कि 50 से साल से ज़्यादा लग गए एक वुमेन रेल मिनिस्टर को बनने में, और 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही ये रेलवे मिनिस्टर बनी थी। सो इस तरीके से वुमेंस के लिए ये काफ़ी एंथुसियास्टिक मूवमेंट था और बहुत ही अच्छा वुमेंस के लिए भी ये था कि जो वुमेंस हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में उनका सहयोग बढ़ रहा था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो हमारे आर के शनमुखम शेट्टी हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे पहला जो रेलवे बजट है वो रेलवे बजट किसने पेश किया है, सो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया का जो रेलवे बजट है सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के वक्त रेलवे बजट फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते थे, बट आफ्टर द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बन गई थी उसके 2-3 साल के बाद से हमारा जो रेलवे बजट है वो रेल मिनिस्टर लोग पेश करने लगे थे। सबसे पहले हमारे कौन करता था, फाइनेंस मिनिस्टर ही। और रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों रेल मिनिस्टर, इसमें कोई भी उनका रोल नहीं होता था। उस वक्त रेल मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ रेलवे से रिलेटेड ही काम करते थे, बजट से रिलेटेड काम सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही करते थे। पहले जो हमारे रेलवे मिनिस्टर वो जॉन मथाई हैं, बट पहला जो रेलवे बजट पेश किया गया है वो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया, जो इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। जो हमारा बजट था, जो पहला देश का बजट था, वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जस्ट आफ्टर 2 मंथ ऑफ इंडिपेंडेंस। आज के समय में इंडिया में 26 नवंबर 1947 को बजट डे के तौर पे मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिए कि बजट डे जो हमारा है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन किसी भी ऐसी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता है जो देश के हित में बनाई जाती हैं। सो इसलिए इस डेट को आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट रेलवे बजट कब पेश हुआ था, और इसी दिन दोनों बजट पेश हुए थे, यूनियन एंड रेलवे, प्लस इस डे को बजट डे के तौर पर मनाया जाता है। और जॉन मथाई जो हैं हमारे, इन्होंने पहला रेलवे मिनिस्टर के तौर पे गद्दी संभाली थी, बट अगर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर हैं जॉन मथाई, उन्होंने कब बजट को पेश किया है, सो सबसे पहले तो उन्होंने नहीं किया था। सो रेलवे मिनिस्टर तो उन्होंने जब तब पेश किया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। सो जो जॉन मथाई हैं वो 1950 और 51 में रेलवे बजट को पेश किए थे, क्योंकि उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे। सो इस तरीके से ये जितनी भी पॉइंट्स हैं इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कभी भी कि ऐसा कौन सा रेलवे मिनिस्टर है जिसने अपने ऑफिस में रिज़ाइन किया था, और एकमात्र ऐसा रेलवे मिनिस्टर है जिसने खुद से रेजिग्नेशन दिया है विदाउट, जो प्राइम मिनिस्टर है जिसने उनसे रेजिग्नेशन ना मांगा हो और रेजिग्नेशन दिया हो,
ऐसा एकमात्र इंडिया में एक ही मिनिस्टर है, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, जब इंडिया में दो मेजर एक्सीडेंट्स हो गए थे रेलवे के 1956 में, पहला एक्सीडेंट जो है वो महबूब नगर में और दूसरा एक्सीडेंट जो है एरियालू तमिलनाडु में। सो महबूब नगर आंध्र प्रदेश एंड एरियालू तमिलनाडु में, ये दो मेजर एक्सीडेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को सौंप दिया और वापस से अपना डेजिग्नेशन नहीं लिया। चले चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेलवे बजट। रेलवे बजट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेलवे बजट का इंट्रोडक्शन इंडिया में कैसे हुआ। सो एक्वर्थ कमिटी जो 1921 में बनी है, इस वक्त रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो विलियम एक्वर्थ थे और उन्होंने इस कमिटी का गठन किया था और इस कमिटी के चेयरमैन भी विलियम एक्वर्थ ही थे। विलियम एक्वर्थ ने जो कमिटी बनाई थी उसमें 10 मेंबर्स थे टोटल, और जिसमें से 3 इंडियंस थे एंड 7 ब्रिटिशर्स थे। सबसे पहले विलियम एक्वर्थ कमिटी ने रेलवे के एक्सपेंशन के लिए इंडिया में जो सुझाव दिए थे उसमें से पहला पॉइंट यही था कि रेलवे का जो फाइनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेलवे को फाइनेंस ऐसे नहीं दे सकती जैसे रेलवे हमेशा चाहता है। इसलिए रेलवे को एक स्पेशल पावर्स हो, उसको अपने एक्सपेंशन के लिए जिस तरीके से एक्सपेंड करना है वो खुद के नियम बना सके। सो इसी डिसीज़न के बाद इंडिया में रेलवे बजट का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले इंडिया में सिर्फ यूनियन बजट ही होता था, जो ब्रिटिशर्स लोग ने इंट्रोड्यूस किया था यूनियन बजट, और जो पेश करते थे सिर्फ यूनियन बजट पेश करते थे। बट रेलवे बजट को 1924 में यूनियन बजट से सेपरेट कर दिया गया। हमारा सेकंड पॉइंट है, रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट से सेपरेट हो गया था 1924 में। और जो हमारा फर्स्ट रेलवे बजट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था वो 1924 में किया गया था, और यहाँ से ही रेलवे बजट की स्टार्टिंग होती है इंडिया में। इसके बाद से हर साल रेलवे बजट को सेपरेटली पेश किया जाता था, यूनियन बजट के साथ पेश नहीं किया जाता था। विलियम एक्वर्थ कमिटी की बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो इंडिया में रेलवे के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने डिसीजन या सुझाव दिए थे, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि रेलवे का जो एक्सपेंशन है वो प्योरली सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट आउट नहीं होना चाहिए, और इसका रीऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। बट इन डिसीजंस पे, विलियम एक्वर्थ कमिटी के इन डिसीजंस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, और इसी डिसीजन को आगे चल के इंडिपेंडेंट इंडिया में फॉलो किया गया था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था सो इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जॉन मथाई को ये जिम्मेदारी दी थी। हालांकि जॉन मथाई उसको पूरा नहीं कर पाए थे, जो मिनिस्टर उसको पूरा किए थे उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारी कहती है, जो हमारे इंडिया में जो रीसेंट रेल बजट है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सो जो 2014 का रेलवे बजट, जो NDA 2 जो गवर्नमेंट है हमारी, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसमें जो सबसे पहले रेल मिनिस्टर थे वो DV सदानंद गौड़ा जी थे। 2014 में सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा जी को बनाया गया है, और DV सदानंद गौड़ा जी ने ही इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स का जो अनाउंसमेंट है वो DV सदानंद गौड़ा जी ने ही किया था एज अ रेलवे मिनिस्टर। इनका विज़न बहुत ही अच्छा था, बट उसके बाद DV सदानंद गौड़ा जी चले गए, और DV सदानंद गौड़ा जी के जस्ट बाद हमारे 2014 में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर बने वो सुरेश प्रभु जी थे, और सुरेश प्रभु जी ने 2014 से 2017 तक लगातार 4 सालों तक
रेल मिनिस्टर के तौर पे अपनी सेवा दी है और 2017 में सुरेश प्रभु एक मात्र ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं, लास्ट रेलवे मिनिस्टर, जिन्होंने रेलवे बजट को पेश किया था लोकसभा में। सुरेश प्रभु जी लास्ट रेलवे मिनिस्टर हैं जिन्होंने रेलवे बजट को पेश किया था लोकसभा में। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने पेश किया था। इसके बारे में जो फैक्ट है वो आप लोग याद रखिए। फर्स्ट रेलवे बजट इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर जी जो हमारे थे सनमुखम शेट्टी जी, उन्होंने पेश किया था। और लास्ट रेलवे बजट जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने पेश किया था। लास्ट रेलवे बजट मतलब इसके बाद रेलवे बजट मर्ज हो गया है, इसलिए लास्ट रेलवे बजट रेलवे मिनिस्टर को पेश करने दिया गया था। और फर्स्ट जब वो मर्ज नहीं था इंडिपेंडेंट इंडिया के वक्त, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर सनमुखम शेट्टी जी ने ही पेश किया था, बट लास्ट रेल बजट जो था हमारा रेलवे मिनिस्टर को पेश करने दिया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है 2017 में हमारे रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया जाता है और यूनियन बजट अब जो है रेलवे बजट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं। 2017 से अभी तक लगातार जो हमारा रेलवे बजट और यूनियन बजट जो मर्ज बजट है हमारा, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा मर्ज बजट है इसको सबसे पहले किसने पेश किया है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद हमारा मर्ज बजट है इसको सबसे पहले किसने पेश किया है, तो वो थे अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी अब नहीं है हम लोग के बीच, बट 2019 तक लगातार 2017 से अरुण जेटली जी ने ही मर्ज रेलवे बजट को 3 साल पेश किया था और उसके बाद ये चले गए। और अब जो हमारा रेल बजट है, अब का हमारा रेल बजट आज के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। सो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिए कि जो हमारे सुरेश प्रभु हैं वो लास्ट रेलवे मिनिस्टर थे जिन्होंने पेश किया। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक की है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है कि जो ये जो मर्जर है हमारे रेलवे बजट का और यूनियन बजट का, ये किस कमिटी के सिफारिश या रिकमेंडेशन, जो किस कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं उनके उस पर ये हुआ है, किस कमिटी के सजेशन पे, तो विवेक देवराय कमिटी। ये कमेटी हमारी 2016 में बनी थी और 2017 में इसने रिपोर्ट दिया था और 2017 से ही हमारा रेलवे बजट मर्ज्ड हो गया। सो एक साल में इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसके बाद इंडिया में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया। आई होप ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई होंगी। इन सारी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट रेलवे बजट से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग रेलवे बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए इस सेक्शन में हम लोग बात करते हैं रेलवे बजट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। सो फर्स्ट फैक्ट हमारा कहता है कि जो हमारे इंडिया का रेलवे बजट है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करें तो 1924 में पहला रेलवे बजट पेश हुआ था। सो पहला रेलवे बजट जब लाइव टेलीकास्ट हुआ है वो है 24 मार्च 1994। इट मींस आफ्टर 70 इयर्स फ्रॉम फर्स्ट बजट हमारा पहली बार रेलवे बजट लाइव टेलीकास्ट हुआ था। ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अजीब भी है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी कैसी थी कि लाइव टेलीकास्ट करना इतना मुश्किल था, बल्कि क्रिकेट एंड सारी चीज़ें जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट होती थी उस वक्त, बट रेल बजट लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाया था। सो चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो हमारे इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन रेल मिनिस्टर हैं जिन्होंने रेल बजट को पेश किया है, सो वो भी हैं हमारी ममता बनर्जी।
फर्स्ट वुमेन रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, इसीलिए इन्होंने ही पहले सबसे पहले जो वुमेन मिनिस्टर जिनको चांस मिला था रेलवे बजट पेश करने का, सो वो थी ममता बनर्जी। एंड 2001 में इन्होंने सबसे पहली बार रेलवे बजट को पेश किया था। ये पॉइंट आप लोग इसलिए याद रखिए क्योंकि वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से उठाते हैं, क्योंकि वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए वुमेन से रिलेटेड जितना भी जीएस का पार्ट होता है उससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड। सो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारी कहती है कि जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बार रेलवे बजट को पेश करने वाले रेलवे मिनिस्टर हैं वो है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ने 7 times रेलवे बजट को पेश किया है और 1956 से 1962 तक पूरे 7 सालों तक इन्होंने रेलवे बजट को पेश किया है सबसे ज़्यादा बार। और इनके बाद जिन्होंने इसके बाद जिन्होंने पेश किया है वो है हमारे लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने सिर्फ एक ही चांस से मिस कर दिया, 6 बार इन्होंने भी पेश किया है। एंड 2004 से 2009 तक अगर हम बात करें जो हमारी सेकेंड यूपीए गवर्नमेंट थी एंड जो हमारी फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट थी, इन दोनों गवर्नमेंट में चांस मिला था लालू प्रसाद यादव को रेलवे बजट पेश करने का। सो लालू प्रसाद यादव सेकेंड ऐसे मिनिस्टर हैं एंड फर्स्ट ऐसे मिनिस्टर जो बाबू जगजीवन राम है वो हैं। बाबू जगजीवन राम से रिलेटेड मैंने एक फैक्ट आपको अभी बताया था कि इनकी जो डॉटर हैं वो फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर थी इंडिया की, मीरा कुमारी जी। कांग्रेस की वो लीडर हैं, कांग्रेस के तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। एंड मीरा कुमारी जो हैं वो पहली ऐसी फीमेल लोकसभा स्पीकर हैं जो जगजीवन राम जी की बेटी थी। बिहार से वो भी आती हैं, बाबू जगजीवन राम जी भी बिहार से हैं एंड लालू प्रसाद यादव जी भी बिहार से हैं। दोनों जी जो हमारे हैं वो बिहार के ही लाल हैं। सो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, बिहार का कंट्रीब्यूशन रेलवे में एज अ रेलवे मिनिस्टर ज़्यादा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चले जो लोग बिहार से हैं वो लोग तो जानते ही होंगे इनके बारे में। चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारी कहती है जो हमारा फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में अनाउंसमेंट हुआ है 2014 में, मैंने बताया कि 2014 में डीवी सदानंद गौड़ा जी ने बुलेट ट्रेन एंड हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया में 2014 के रेलवे बजट में अनाउंस किया था। और जो हमारी फर्स्ट बुलेट ट्रेन है इसको बनाने का जो लक्ष्य है इंडिया में वो 2022 तक है। और ये जो हमारा हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी कुछ हाई स्पीड ट्रेन्स इंडिया में चालू कर दी गई हैं और कुछ हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हालांकि जो ट्रेन्स चालू की गई हैं वो उस स्पीड पर नहीं की गई हैं जिस पे हमारा 2014 के बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, बट गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड जो हमारी तेजस एक्सप्रेस है, इस तरह की सारी ट्रेन जो हैं वो उसी रेलवे बजट के बाद से जो हमारी अनाउंसमेंट है उन ट्रेन का एंड जो ट्रेन को चालू किया गया है वो इसी रेलवे बजट के बाद से किया गया है इसी विज़न को पूरा करने के लिए। हाई स्पीड रेलवे से रिलेटेड जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं अपने आने वाले लेक्चर में बताऊँगा। सो आप लोग उस लेक्चर में हाई स्पीड रेलवे एंड बुलेट ट्रेन से रिलेटेड सारी पॉइंट्स को जान लेंगे, उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या भी लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है जो हमारा यूनियन बजट 2018। अब हम लोग बात करें यूनियन बजट की, क्योंकि 2017 में रेलवे बजट एंड यूनियन बजट जो है वो मिक्स हो गया था। तो जब ये दोनों मिक्स हो गए तो इसके बाद से हमारा सिर्फ यूनियन बजट में ही रेलवे बजट का सारा अनाउंसमेंट होता था। सो इस तरीके से जब यूनियन बजट 2018 आया था तो इसमें 600 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का काम अनाउंस हुआ था।
ये जो अनाउंसमेंट है ये अरुण जेटली जी ने किया था 2017 और 18 दोनों का जो मर्ज बजट है वो अरुण जेटली जी ने ही पेश किया है। सो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो सबसे पहले दो स्टेशन को लिया गया है रीडेवलपमेंट के लिए वो है हबीबगंज जो हमारा भोपाल में है एंड गांधीनगर हमारा गुजरात में है। ये दोनों स्टेशंस को रीडेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले काम लिया गया है। इन दोनों स्टेशंस का लगभग काम पूरा हो चुका है और एक या दो साल में ये जो पहले दो स्टेशंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस जो इंडिया में उनकी शुरुआत होगी। सो इन दोनों स्टेशंस के बारे में लोग अच्छे से याद रखिए ताकि अगर हबीबगंज के बारे में या गांधीनगर बारे में क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टेशंस हैं वो किसके तहत डेवलप किए गए हैं। सो यूनियन बजट 2018 के तहत इन दोनों स्टेशंस का डेवलपमेंट हुआ है। और अगर क्वेश्चन आता है किस कंपनी को इस काम के लिए लगाया गया है सो वो कंपनी हमारी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC। इस कंपनी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। RLDA के बारे में मैंने आपको बताया था। RLDA रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी एक इस तरह की स्टैचुरी अथॉरिटी है जो रेलवे में जो भी चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट करती है। और RLDA को दिल्ली एंड देहरादून के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट मिला है और IRSDC को हबीबगंज एंड गांधीनगर के सबसे पहले दो स्टेशन जो डेवलपमेंट करने थे उनका काम मिला था। सो आई होप ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बोर्ड एंड कमिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा रेलवे बोर्ड है एंड रेलवे में आज तक जितनी भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ का गठन हुआ है इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में सारे पॉइंट्स को जानेंगे। सो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए जो हमारा रेलवे बोर्ड है ये बहुत ही लेट 1905 में बनाया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन को वेस्ट बंगाल के डिवीज़न के लिए भी जाना जाता है वो भी 1905 में ही हुआ था। और जो हमारा रेलवे बोर्ड है वो भी 1905 में बना था। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि एक तरीके से जोड़ा था और एक तरीके से तोड़ा था उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने। सो रेलवे को बोर्ड की तरह जोड़ा था और वेस्ट बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ा था। सो ये याद करने के लिए एक ट्रिक है इसीलिए मैं बताता हूँ इस तरीके से। सो अभी जो प्रेजेंट में हमारे चेयरपर्सन हैं या चेयरमैन हैं हमारे रेलवे बोर्ड के हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी इस वक्त सुनीत शर्मा हैं और 1 जनवरी 2021 से इनको गद्दी दी गई है चेयरपर्सन की। सुनीत शर्मा जी हमारे न्यूएस्ट चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट है ये शिकारी कमेटी के बारे में है। शिकारी कमेटी जो है ये 1978 में बनाई गई थी रेलवे में एक्सीडेंट इंक्वायरीज़ के लिए। जब तक हमारे इंडिया में जो हमारा ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो कम्प्लीटली बन नहीं पाया था तब तक हमारे इंडिया में रेलवे एक्सीडेंट बहुत होते थे एंड बहुत लॉस ऑफ लाइफ होता था एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी होता था। बट लॉस ऑफ लाइफ के लिए जो हमारी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम मतलब कोई भी कंपनसेशन जो रेलवे देता था उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती थी। रेलवे बोर्ड ने शिकारी कमेटी को इसीलिए बनाया था कि रेलवे का जो लॉस होता है लोगों को कंपनसेशन देने के बाद इतना ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ता है। सो ऑब्वियसली वो देना पड़ेगा बट एज अ मेंबर या रेलवे बोर्ड उनके लिए वो लॉस होता है। शिकारी कमेटी को इसीलिए बनाया गया था कि किस तरीके से इन सारे एक्सीडेंट को हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। और उस वक्त शिकारी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो ब्रॉड गेज नेटवर्क के बारे में था प्लस जो हमारी लाइंस हैं उनका मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए
ये सारे जो रिकमेंडेशन है वो शिकारी कम्युनिटी ने दिए थे, और आपको काफ़ी जान के हैरानी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा शिकारी कम्युनिटी का रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पाई थी बहुत सालों तक ऐसा नहीं हो पाया था। बट लेटर जो गवर्नमेंट्स आई थी हमारी 1990s में, उन्होंने रेलवे में एक्सीडेंट प्रूफ बनाने के लिए, रेलवे को एक्सीडेंट ना हो रेलवे में, इसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। एंड अभी जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, जो हमारे पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं, इनके आने के बाद इंडिया में एक भी एक्सीडेंट अभी तक नहीं हुआ है, 0 एक्सीडेंट इंडिया में हुए हैं। सो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि शिकारी कम्युनिटी के रिकमेंडेशंस फॉलो करते करते आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम इंडिया को एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट है वो है सैम पिट्रोडा कमेटी के बारे में। सो सैम पिट्रोडा जो है, सैम पिट्रोडा के बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी 86 में, सो सैम पिट्रोडा उस वक्त आईटी मिनिस्टर थे, इन्होंने ही इंडिया में कंप्यूटर को लाया था। सो सैम पिट्रोडा जो है, इनको जो रेलवे में कमिटी के तौर पे बनाया गया था, सैम पिट्रोडा कमिटी 2012 में, इसका जो रीज़न था बनाने का वो इंडिया के मॉडर्नाइजेशन के लिए था, इंडियन रेलवे को कैसे हम लोग मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि सैम पिट्रोडा ने कंप्यूटर के द्वारा इंडिया को मॉडर्नाइज किया था, सो आईटी एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपने नॉलेज के लिए ही सैम पिट्रोडा को कमिटी का हेड बनाया गया था। सो इसकी जो बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस आई थी, उसमें सबसे पहले रिकमेंडेशन यही आई थी कि इंडियन रेलवे को हर तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे सभी ट्रेन्स को हाई स्पीड करना चाहिए, हमारे सभी स्टेशंस को न्यू तरीके से डेवलप करना चाहिए जिस तरीके से इंडिया की नीड है। प्लस जो हमारा वाईफाई सिस्टम है, आप देख सकते हैं आज इंडिया में रेलवे स्टेशंस पे वाईफाई लगता है, सो ये वाईफाई सिस्टम भी जो रिकमेंडेशन था वो सैम पिट्रोडा कमिटी का ही था। सो इस तरीके से इस कमिटी के रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है मोंटेक सिंह आलूवालिया कमेटी। मोंटेक सिंह आलूवालिया कमेटी 2014 में बनाई गई थी, और इसका रीज़न था क्रिएटिव फाइनेंसिंग, इंडियन रेलवे को किस किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कराया जा सकता है, या इंडियन रेलवे का जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मोंटेक सिंह आलूवालिया जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनको कमिटी का चेयरमैन बनाया गया था, और इन्होंने रिकमेंडेशन बहुत सारे दिए थे। आप इंडियन रेलवे में आजकल जो ट्रेन्स पे एड्स देखते हैं, बहुत सारी ट्रेन्स पे सभी कंपनियों के एड आजकल चलते हैं, वो एड उन पे बैनर की तरह एंड पेंट करके बनाया जाता है। सो ये जो क्रिएटिव एड बनाने का एंड इससे रेवेन्यू जनरेट करने का जो आइडिया था वो मोंटेक सिंह आलूवालिया कमेटी का ही था। सो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि 2014 के बाद से इंडियन रेलवे अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट जो हमारी जो कमेटी है वो है अरविंद पनगड़िया कमेटी। इस कमेटी का जो मेन फोकस या जो इनको मेन काम दिया गया था वो था मुंबई अहमदाबाद जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। 2016 में काम दिया गया था, 2014 में मैंने बताया डीवी सदानंद गौड़ा जी ने इस काम का अनाउंसमेंट किया था, और ये काम किस तरीके से पूरा हो इसके लिए अरविंद पनगड़िया कमेटी का गठन हुआ था। इसीलिए अरविंद पनगड़िया कमेटी जो है गठित हुई थी, और इसके जो हमारे रिकमेंडेशन है वो बुलेट ट्रेन इन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और बुलेट ट्रेन इंडिया के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, लगभग 70% जो हमारा बुलेट ट्रेन का काम है वो आज पूरा हो चुका है, और ये सभी रिकमेंडेशन जो है वो अरविंद पनगड़िया कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसी के रिकमेंडेशन, इसी के जो टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस हैं उनके द्वारा ही ये सारा काम हो रहा है।
लास्ट जो हमारी पॉइंट है वो हमको याद रखना चाहिए, हमारे इंडिया का जो नेशनलाइजेशन है इंडियन रेलवे का, हमारे इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन जो 42 स्टेट ऑन रेलवे जोन्स थे इंडिया में, इनको 1951 में नेशनलाइज किया गया था। मैंने बताया था कि जॉन मथाई जो है वो इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहला काम उन्होंने स्टार्ट किया था, बट 1951 में 42 स्टेट आउंड रेलवे जोन जो हमारी उस वक्त के जो छोटे छोटे स्टेट होते थे जिनके अंडर रेलवे आती थी 2 या 3 साल तक, उसको सेंट्रलाइज किया गया है 1951 में। उसके पहले जो हमारे जोन्स थे 42 जोन्स, वो इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर आते थे, और इन 42 जोन्स को नेशनलाइज करके इंडिया में 6 रेलवे जोन्स को बनाया गया था। और ये रेलवे जोन्स को बनाने का काम जो है और इस नेशनलाइजेशन का जो काम है ये पूरा किया था हमारे गोपाला स्वामी अय्यर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे 1951 में, उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे का काम पूरा किया है। इंडियन रेलवे में इस वक्त 18 रेलवे जोन्स हो चुके हैं। इन सभी के बारे में, इंडियन रेलवे जोन्स के बारे में और जो हमारा नेशनलाइजेशन और हाई स्पीड रेलवे जो हमारा 5th पॉइंट है, इन सभी के बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। सो उन लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, आने वाले लेक्चर्स में भी ये बहुत ही यूज़फुल होंगी एंड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है। आप इनकी नोट्स बनाइए या मेरे PDF फॉलो करिए। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।